हेलो स्कॉलर्स, मैं हूँ मोहिनी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं शिक्षा मनोविज्ञान पर। यहाँ तक हमें आने के लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ा शिक्षा को और फिर उसके बाद हमने पढ़ा मनोविज्ञान को, और फिर इन दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको हमें पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो फाइनली अब हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। शिक्षा और मनोविज्ञान, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, और इसका अर्थ होता है शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। किससे संबंधित? शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान, अर्थात ऐसा मनोविज्ञान जिसका संबंध किससे है? शिक्षा से है। ठीक है, मनोविज्ञान के अंतर्गत यूँ तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी शाखाएं आती हैं, लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो भी किसकी शाखा है? वो भी मनोविज्ञान की ही एक शाखा है। अभी जब मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में पढ़ाया गया था पिछली वीडियो में, तब ये बताया गया था, जो लास्ट शाखा के बारे में बताया था वो थी शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ होता है ऐसा मनोविज्ञान जो शिक्षा से संबंधित है। ठीक, आगे है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इसको समझते हैं। पहले हमने पढ़ा था शिक्षा के बारे में। शिक्षा का क्या अर्थ है? कि जो ज्ञान ग्रहण करने और प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, ज्ञान ग्रहण करना और ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, समझते जाइएगा, ज्ञान ग्रहण करना और प्रदान करना। ग्रहण कौन करता है? बालक, या फिर स्कूलों में पढ़ाई होती है वहाँ बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, या फिर घर में भी कोई भी हमें कुछ भी सिखा सकता है, कोई भी ज्ञान ग्रहण कर सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यानी कि मानव जो ज्ञान ग्रहण भी कर रहा है और ज्ञान प्रदान भी कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो कहलाता है शिक्षा। और मनोविज्ञान, मनोविज्ञान को भी हम पढ़ चुके हैं। मनोविज्ञान क्या है? वो है व्यवहार का विज्ञान। क्या है वो? एक व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, व्यवहार का विज्ञान कह सकते हैं, या फिर जो व्यवहार का अध्ययन करे। क्या करे? अध्ययन, क्योंकि विज्ञान में हम लोग अध्ययन ही तो करते हैं। ठीक, तो व्यवहार क्या है, सॉरी, मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, या फिर व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जो ये ज्ञान ग्रहण करने और ज्ञान प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया है, इसको क्या हम क्या कहेंगे? हम शैक्षिक परिस्थितियाँ, क्योंकि ज्ञान ग्रहण करना और प्रदान करना ये कैसे वातावरण में होता है? एक शैक्षिक वातावरण में होता है, तो इसे हम कहेंगे शैक्षिक परिस्थितियाँ या शैक्षिक वातावरण। ठीक, और मनोविज्ञान क्या करता है? मनोविज्ञान उसी शैक्षिक वातावरण में मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका? मानव के व्यवहार का अध्ययन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से मानव के व्यवहार का अध्ययन जब शैक्षिक परिस्थितियों में करते हैं या शिक्षा से संबंधित वातावरण में किया जाता है, तब वो कहलाता है शिक्षा मनोविज्ञान। उसको हम कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांतों का उपयोग करके शैक्षिक समस्याओं का वैज्ञानिक व तर्कपूर्ण ढंग से समाधान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांत। अब देखिए, मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, आपने सुना होगा व्यक्तिगत भिन्नता, व्यक्तिगत भिन्नता या फिर विभिन्नता, एक ही बात है। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इसका क्या अर्थ है कि जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, वो एक समान नहीं हो सकते। ये सब लोग एक समान नहीं हो सकते, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है, चाहे वो ट्विंस बच्चे ही क्यों ना हो, जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, चाहे वो ही क्यों ना हो, उनमें भी कोई ना कोई डिफरेंस ज़रूर होता है। चाहे तो ये भी हो सकता है कि एक पतला है, एक मोटा है, एक हेल्दी है और एक अनहेल्दी है, या फिर उनके सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें डिफरेंस हो सकता है, उनके सोचने का तरीका भिन्न भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि दो व्यक्ति जो हैं वो समान हैं, दोनों में हमेशा अंतर जरूर मिलता है। तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं हैं जो समान हो पूर्ण रूप से। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं हम उसे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो भी मनोविज्ञान का ही एक सिद्धांत है। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को हम शिक्षा की जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करने में प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से? देखिए, आजकल जो पाठ्यक्रम है वो इतना व्यापक हो चुका है, उसका एरिया इतना वाइड हो चुका है, उसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर दिया है, और जो बच्चे हैं उनको इस बात की छूट दी जाती है कि वो अपनी रुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग
सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले जैसा नहीं है कि तुम्हें के बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं, बच्चों की खुद की इच्छा है, वो उसे पढ़ सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सभी को चूज़ करने अनिवार्य होते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका ज्ञान होना प्रत्येक बालक के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो उन सब्जेक्ट को कंपलसरी रखा जाता है, बाकी के सब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। तो बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उन सब्जेक्ट को चूज़ कर लेता है। इस तरीके से उसे किसी भी ऐसे सब्जेक्ट को जबरन नहीं पढ़ना पड़ता जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, बच्चा बहुत जल्दी जल्दी सीखता है, क्योंकि बच्चे के इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है, तो उसको वो बहुत अच्छी प्रकार से और जल्दी जल्दी सीखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान के जो सिद्धांत हैं उनका प्रयोग करते हैं शिक्षा की समस्याओं के समाधान के लिए। इन सिद्धांतों का हम वैज्ञानिक तरीके से और तर्कपूर्ण तरीके से प्रयोग करते हैं उनका समाधान करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी है जे.एम. स्टीफन ने। उन्होंने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, बच्चों का या व्यक्ति का जो भी शैक्षिक विकास है शुरुआत से लेकर के अंत तक, उसका क्रमबद्ध अध्ययन करता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसको स्टडी करता जाता है। किसको, जो बच्चे का शैक्षिक विकास है, शिक्षा से संबंधित जितना भी विकास है उसको स्टेप वाइज स्टेप उसकी स्टडी करता जाता है। और अभी ऊपर पढ़ा था ना कि समस्याओं का भी समाधान किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। सेकंड है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। ये किसने कहा है, ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक, यानी कि शुरुआत से लेकर अंत तक, वृद्धावस्था के बाद तो अंत ही आता है, ठीक है, तो ये लास्ट स्टेज होती है वृद्धावस्था, इसलिए क्या कहा गया, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव के इस पूरे सफर में, यहाँ से यहाँ तक जब वो गया है व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, तो इस पूरे सफर में उसने क्या क्या सीखा, ठीक, और वो भी शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित भी या फिर अदर भी अनुभव, सभी प्रकार के अनुभव जो उसने प्राप्त किए हैं उनका वर्णन करता है और व्याख्या करता है। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, ये किसने कहा है, ये कहा है क्रो एंड क्रोनी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, यानी कि इसका नेचर कैसा है, किसका, शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर कैसा है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, वो एक विधायक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है, विधायक, या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव विज्ञान है। ये हमेशा ही ट्राई करता है कि इसके रिजल्ट्स जो भी आए सब पॉजिटिवली आए, ठीक है, नेगेटिव कुछ ना जाए, कुछ कम ना हो, हमेशा पॉजिटिव की तरफ, आगे की तरफ बढ़ा जाए। ठीक, नेक्स्ट है व्यवहारिक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, एक व्यवहारिक विज्ञान है। क्यों, क्योंकि ये व्यवहार का अध्ययन करता है और जो मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं उनको इसमें व्यवहार में लाया जाता है। ठीक है, उनका उनको अप्लाई किया जाता है किसमें, शैक्षिक वातावरण में, इसलिए भी इसे एक व्यवहारिक विज्ञान कहा जाता है। ये मनोविज्ञान का एक व्यवहारिक रूप हम इसे मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक अप्रोच इसका यूज़ किया जाता है। जितने भी मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, शिक्षा में प्रयोग करते हैं। अब सिद्धांत तो साइंटिफिक ही होते हैं, सारे रूल रेगुलेशन लगा करके उनको बनाया जाता है, सिद्धांत को सब साइंटिफिक तरीके से बनाए जाते हैं, इसलिए कैसा है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है। ठीक, और इसके नाम में भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, मनोविज्ञान विज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान। आगे पढ़ते हैं, सभी शिक्षा शास्त्री शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने अलग अलग तर्क भी दिए हैं, किसने, शिक्षा शास्त्रियों ने। ठीक है, पहला तर्क क्या है, इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है ये शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट है नियम एवं सिद्धांतों का प्रयोग, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि नियम और सिद्धांत उनका प्रयोग किया जाता है किसमें, शैक्षिक वातावरण में व्यवहार का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहारिक विधायक विज्ञान है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, विधायक और व्यवहारिक विज्ञान। ठीक, नेक्स्ट है सार्वभौमिक सिद्धांत। हाँ, ये जरूरी है, जितने भी इसमें सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है वो
सार्वभौमिक होते हैं, यानी कि यूनिवर्सल होते हैं। उन्हें हम किसी पर भी अप्लाई करें, वो सभी के लिए सेम रिजल्ट्स निकालते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि सूरज पूरब से उगता है। अब कोई कितना भी जोर लगा ले या कितने भी तरकीबें अपना ले या कुछ भी कर ले, कैसे भी करके सूरज को पश्चिम से नहीं उगा सकते, वो पूरब से उगता है तो पूरब से ही उगेगा। तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है। उसी प्रकार से सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं जो सभी के लिए समान होते हैं। ठीक, सूरज पूरब से उगता है, ये बात सभी के लिए समान है, तो ये क्या हुआ, सार्वभौमिक सत्य हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ। उसी प्रकार से जो मनोविज्ञान के सिद्धांत है, अब व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, अभी एग्जाम्पल हमने लिया था उसी को देख लीजिए, ये वाला सिद्धांत सभी के लिए समान है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता, अगर दो व्यक्ति आपस में भिन्न हैं तो वो दूसरे व्यक्ति से भी तो भिन्न है ना, जितने भी संसार में व्यक्ति हैं, ये बात सभी पर लागू होती है। तो ये इसलिए कैसा है, सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिद्धांतों का पुष्टिकरण। इसमें सिद्धांतों का पुष्टिकरण भी किया जाता है, यानी कि वैलिडेशन, कि वो सिद्धांत कितने वैलिड हैं, इन चीज़ों को भी अपनाया जाता है, सिद्धांत को पुष्ट किया जाता है, उसका प्रूफ दिया जाता है। ठीक है, अब मैंने बताया था कि टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं, इसमें टेस्ट जो बनाए जाते हैं उनसे क्या होता है, जो बच्चे के रिजल्ट्स निकलते हैं वो सभी के सभी कैसे होते हैं, वैलिड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है भविष्यवाणी संभव। इसमें क्या होता है, भविष्यवाणी की जाती है। मान लीजिए हमने किसी बच्चे पर एप्टीट्यूड टेस्ट अपनाया, उस पर अप्लाई किया हमने, यानी कि अभिवृत्ति परीक्षण, जिससे कि हम ये जानते हैं कि वो किस फील्ड में आगे बढ़ सकता है, उसकी रुचियां क्या हैं, उसकी योग्यताएं क्या हैं, उसकी क्षमताएं क्या हैं, इन चीज़ों को जान लिया जाता है उस टेस्ट के थ्रू। उसके बाद भविष्यवाणी की जाती है, हम ये प्रेडिक्शन करते हैं कि बच्चा आगे चल करके क्या बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, लॉयर बन सकता है, या वॉट एवर जो भी है क्या बन सकता है। ठीक, तो जो भविष्यवाणी होती है वो भी इसमें एकदम वैलिड साबित होती हैं, 99% तक सही ही साबित होती है, अगर उस पर किसी और चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। स्कॉलर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।